डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल रीड दिस न्यू टॉपिक फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट द यूसेज ऑफ फर्स्ट एंड फोर मोस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर मोस्ट यूज ऑफ फर्स्ट एंड फोर मोस्ट फर्स्ट एंड फोर मोस्ट का आज हम प्रयोग पढ़ेंगे इसको पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि फर्स्ट का मतलब क्या होता है फोरमोस्ट का क्या मतलब होता है जब दोनों का अर्थ हम समझे रहेंगे ढंग से तो फिर सेंटेंस में हम उसको अच्छी तरह समझ लेंगे ठीक है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो फर्स्ट होता है लास्ट होता है फॉर्मर होता है लेटर होता है नेक्स्ट होता है ये सब क्या होते हैं ये सब क्रम दिखाते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु का क्रम या पोजीशन दिखाने का काम करते हैं तो फिर वही रूल आया यहां पर फर्स्ट आया है ना तो फर्स्ट क्या दिखाएगा एक क्रम दिखाता है या स्थिति दिखाता है क्रम या स्थिति दिखाता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति के बारे में बताता है फर्स्ट जिसका विलोम क्या होता है लास्ट क्या होता है लास्ट और जो फोरमोस्ट होता है फोर मोस्ट का मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट या द मोस्ट इमिनेंट द मोस्ट इमिनेंट बहुत ही महत्वपूर्ण इमिनेंट ई एम आई यानी ई एन टी इमिनेंट द मोस्ट इमिनेंट या द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर मोस्ट का मतलब दोनों का अर्थ क्लियर होने पर आप सेंटेंस में अर्थ को ढंग से समझ पाएंगे जैसे ही वॉज द फर्स्ट मैन देखिए फॉरमोस्ट नहीं ही वॉज द फर्स्ट मैन टू टेल मी अबाउट कोरोना वायरस कोरोना वायरस के बारे में बताने के लिए मुझे वो कैसा आदमी था सबसे पहला आदमी था सबसे पहला आदमी द फर्स्ट मैन या द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग द फर्स्ट पोएम ऑफ दिस बुक इज वेरी इंस्पायरिंग इज वेरी डिडेक्टिव द फर्स्ट जो कि क्रम दिखाता है स्थित दिखाता किसी व्यक्ति या वस्तु का क्रम या पोजीशन दिखाने का काम करता है ऑर्डर या पोजीशन दिखाने का काम करता है फर्स्ट फर्स्ट लास्ट लेटर फॉर्मर नेक्स्ट ये सब क्या दिखाते हैं ये सब क्रम दिखाने का काम करते हैं क्रम दिखाने का काम करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु का पोजिशन या ऑर्डर दिखाते हैं ऑर्डर मीन क्रम दूसरा देखिए हु आर द फर्स्ट मैन टू विन द प्राइज प्राइज जीतने वाला सबसे पहला आदमी कौन था हु आर द फर्स्ट मैन देखिए फर्स्ट आया है हु गॉट द फर्स्ट प्राइज फर्स्ट प्राइज किसने पाया या हु ऑप्टेंड द फर्स्ट डिवीजन हु ऑपटेंड द फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट डिवीजन के जो अंक हैं कौन पाया टेन कौन किया तो जितने भी क्रम दिखाने वाली स्थिति होती है फर्स्ट लास्ट फॉर्मर लेटर नेक्स्ट ये सब क्रम दिखाते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब क्या है क्रम दिखाने वाले हैं किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या क्रम क्रम का बोध कराते हैं और फोरमोस्ट क्या होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इमिनेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए पंडित नेहरू वाज द फोर मोस्ट स्टेटमैन ऑफ हिस टाइम देखिये पंडित नेहरू पंडित नेहरू वाज द फोर मोस्ट फोर मोस्ट स्टेटमैन स्टेटमैन ऑफ हिस टाइम ऑफिस टाइम स्टेटमेंट मींस क्या होता राजनीतिक नेता फोरमोस्ट सबसे महत्वपूर्ण नेता सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण थे या सुभाष सुभाष चंद्र बोस वाज द मोस्ट या वाज द फोरमोस्ट फोर मोस्ट लीडर ऑफ हिस टाइम सबसे महत्वपूर्ण लीडर अपने समय के अब्दुल कलाम वॉज द फोर मोस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिस टाइम अपने टाइम के अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण साइंटिस्ट अब्दुल कलाम जी सबसे महत्वपूर्ण द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट इमिनेंट इसको फोरमोस्ट कहा जाता है तो ये दोनों अंतर हुआ आपका फर्स्ट एंड फोरमोस्ट का ठीक है बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना सबके लिए ज़रूरी है ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो में अगला कोई टॉपिक डालेंगे निश्चित रूप से वीडियो आप समझ गए होंगे समझते रहिए देखते रहिए लोगों को मोटिवेट करते रहिए ठीक है डेढ़ ऑल थैंक यू